है अल्फाम, देखने में कितना एक डिफरेंट लुक है और बहुत ही टैम्पटिंग लग रहा है। ये होती है प्रिपेयरिंग इसकी विद स्किन, ये भी बनता है और ये इसके ऊपर देखिए स्किन है जो हल्की सी क्रिस्पी हो गई है अंदर से, इसका बिल्कुल जो चिकन है बिल्कुल सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाम 10 out of 10, ज़बरदस्त मसाले इसमें इतने अच्छे लगे हुए हैं, आप ये देखिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर आज हम आ गए हैं काबुल चिकन सज्जी पे, लेकिन आज हम आपको काबुल चिकन सज्जी नहीं दिखाएंगे, इनकी एक और फेमस वैरायटी चिकन अल्फाम दिखाएंगे। उसको हम बनते हुए भी दिखाएंगे और खाकर आपको उसका जायका भी बताएंगे। तो आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको आज चिकन अल्फाम। ये देखिए दोस्तों, ये अल्फाम की तैयारी चल रही है। चिकन को ऐसे लेते हैं पूरा और विद स्किन होता है ये भी, सज्जी भी विद स्किन ही बनती है। अब ये इसमें मसाले लगा रहे हैं, देखिए ये मसाले में क्या क्या मिलाया भैया? मसाले में को वो है मिर्ची है, वो है पिसा, सब अलग अलग तरीके का मतलब। इस तरह से मसाले लगा के कितनी देर रखेंगे इसे? इसको जितने 15 मिनट, बस 15 मिनट बाद सेकेंगे इसे, उसके बाद ये चिकन चंगेजी बनने की तैयारी शुरू हो गई है और इधर ये चिकन टिक्का तैयार हो रहा है। यहाँ ये चिकन चंगेजी की तैयारी है और इधर ये फेमस अफगानी रोटी बन रही है। ये चिकन चंगेजी में देखिए, अब मसाले को भून के इन्होंने इसमें रोस्ट किया हुआ चिकन डाल दिया। मेरे साथ हैं आज फिर काबुल चिकन सज्जी के ओनर हसीन भाई, इनसे जानते हैं कि अल्फाम के बारे में, कि अल्फाम में क्या स्पेशलिटी है। ये हसीन भाई बताएं। गाइस अगर अपन अल्फाम की बात करें, अगर जिस बंदे ने अल्फाम खा लिया ना, वो अपनी पूरी लाइफ अल्फाम को भूल नहीं सकता। अल्फाम खाने के लिए बंदा पूरे वर्ल्ड से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आइए आप दिखाता हूँ। ये अल्फाम की क्वांटिटी देख सकते हो, नीचे अल्फाम की क्वांटिटी देख सकते हो, ऊपर अल्फाम की क्वांटिटी देख सकते हो और इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्फाम की ये क्वांटिटी तैयार हो रही है, प्लस और स्टॉक के अंदर हमारा अल्फाम रखा हुआ जो मसाले लगना बाकी है। वो क्यों है, अल्फाम में इतना बिकता है क्यों है, ऐसा क्या चल रहा है अल्फाम के साथ, ऐसा क्या है अल्फाम? तो मैं गाइस यही बोलना चाहूंगा कि बंदा अगर एक बार अल्फाम खा लेगा तो वो रोस्टेड भूल जाएगा। वो क्यों भूल जाएगा? क्योंकि आज अपन रोस्टेड की बात करें, अगर इंडिया की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया के अंदर रोस्टेड ना खिला के रोस्टेड का मजाक हो रहा है। अब तक हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और भी यूट्यूबर ने बनाई आपकी, आपने चिकन सज्जी के बारे में बताई थी। चिकन सज्जी एक स्पेशली अल्फाम के लिए, चिकन सज्जी एक अपना अलग टेस्ट है, अल्फाम जो है वो अपना अलग टेस्ट है। वो क्यों है? क्योंकि आप क्वांटिटी देख सकते हैं अल्फाम की, कंटिन्यू सिक भी रहे, लग भी रहे, कस्टमर को सर्व भी हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि बंदा जब अल्फाम खाता है तो वो और आइटम भूल जाता है। वो क्यों भूल जाता है? क्योंकि अल्फाम एक ऐसा टेस्ट है, अगर अपन मैं बोल रहा था बात कट गई थी कि अल्फाम जो है वो विद स्किन तैयार होता है, इसकी स्किन से खुद तैयार होता है और इसके अंदर 0% ऑयल होता है, कोई इसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जो ये अल्फाम होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्किन है इसकी, इसकी स्किन से खुद तैयार होता है। ये मसालों में लग के आया, मसालों के बाद अर्ली मॉर्निंग में ये भी मसालों में लगता है, मसालों में लगने के बाद इवनिंग तक जाके जब ये कम्प्लीट हो जाता है तो हम इसको नेक्स्ट मसाले पे लगाते हैं। अच्छा। और इसको ही रोस्टेड कहा जाता है। वो क्यों इसको रोस्टेड कहा जाता है? इसके ऑयल जो चिकन के स्किन का जो ऑयल होता है, इसके ऑयल से ये खुद कुकिंग होता है, ना कि लोग, अगर अपन इंडिया की बात करें, लोग क्या कर रहे हैं, रोस्ट तो कर रहे हैं वो अपनी, नो डाउट वो रोस्ट हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर जब बटर डाल रहे, क्रीम डाल रहे और उसके ऊपर नए नए प्रोसेस यूज कर रहे, तो ना के वो रोस्टेड खा जाता है, कुकिंग ऑयल होता है। और आप भी नॉलेज रखते होंगे और मैं भी नॉलेज रखता हूँ कि रोस्टेड का मतलब ही 0% ऑयल होता है, ना कि उसके ऊपर बटर डालना, क्रीम डालना, उसको रोस्टेड नहीं खा जाता है। तो गाइज मैं आपसे ये कहूँगा, अगर जो एक बार आप अल्फाम खा लोगे तो अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलोगे।
और ये इधर हमारी फेमस चिकन सब्जी तैयार होने पे हल्का गोल्डन कलर देखिए आ गया है। इसको लगभग 5 घंटे इसको हो चुके हैं लगते हुए। सर कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ। तो कैसे आना हुआ, कैसे मालूम चला आपको? आने से पहले यूट्यूब पे मैंने देखा था कि क्या इधर पे फेमस है खाने पीने का, तो ये काबुल चिकन सब्जी के बारे में पता चला, तो आज बोला फिर जब इधर पे आए हैं जयपुर तो ट्राई करेंगे, जब इधर का ये स्पेशल है काबुल सब्जी और इतना टाइम लगता है बनने में। हाँ, 16 घंटे, 15 से 16 घंटे लगते हैं इसको बनने। जी जी, Chicken and mutton. Chicken sajji? Yes. How is the taste? Sweet and delicious. Mutton? Yeah. And how is the taste? Good. Okay, thank you. From where you are coming? Taiwan. Yeah. आप देख सकते हैं भाई अल्फाम खाने के लिए बैठ गए हैं, अब बताएंगे टेस्ट कैसा लगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अल्फाम। इससे पहले हमने इनकी चिकन सब्जी आपको खाकर बताई थी, बनते हुए दिखाई थी। आज हम अल्फाम के लिए स्पेशली आए हैं। हसीन भाई ने हमें इनवाइट किया था कि आप हमारा अल्फाम भी ट्राई करें, तो वो हम आज खाने आए हैं। ये इसकी रंगत देखिए, इसका साइज़ देखिए आप, कितना देखने में कितना एक डिफरेंट लुक है और बहुत ही टैम्पटिंग लग रहा है। खाकर देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए इसकी, ये देखिए, आह क्या बात है साहब, ज़बरदस्त। ये देखिए कितने अच्छे से कुक होता है कि इसका रेशा रेशा खुल रहा है। ये देखिए आप, आह बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखिए दोस्तों, ये होती है प्रिपेयरिंग इसकी विद स्किन, ये भी बनता है। और ये इसके ऊपर देखिए स्किन है जो हल्की सी क्रिस्पी हो गई है, अंदर से इसका बिल्कुल जो चिकन है बिल्कुल सॉफ्ट है, जूसी है। खाकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हसीन भाई ने जैसा बताया था कि ये आप खा के एक बार आप ये कह नहीं सकते कि मुझे अच्छा नहीं लगा। नो डाउट ये नेक्स्ट लेवल है, चिकन सब्जी से बेटर है। इसमें मसाले बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, इतना जायकेदार है कि बस मैं क्या बनाऊँ आपको। दोस्तों अल्फाम 10 out of 10 ज़बरदस्त। आप लोग एक बार इनका अल्फाम ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त। ये देखें आप दोस्तों, ये देखें आप, ये देखें आप, वाह कितने कितना सॉफ्ट और जूसी है। ये देखें आप, ये देखें, ज़बरदस्त है। और मसाले इसमें इतने अच्छे लगे हुए हैं, आप ये देखिए कितने अच्छे से पकता, अंदर से ज़रा सा भी कच्चा पर नहीं, पूरा पूरा इसका गोश्त पक गया है और इसकी सॉफ्टनेस भी बरकरार है। ये सबसे अच्छी खूबी है चिकन अल्फाम की। मज़ा आ गया दोस्तों, दिल से एक ही आवाज़ आ रही है, बहुत आला। जी भाई, बेटा भी सो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने बेटे को आज से पहले जब इसने भरपेट दूध पिया था तब सोते हुए देखा था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप क्या खा के भरपेट इसको फिर सोते हुए देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम शरीफ है, कानपुर से आए हैं और ख़ास यही खाने आए हैं
हम आप सबको भी मन बना रखा था, हमने कानपुर से यहाँ जाके खाने मन बना के रखा था, और जब देखा कि कितनी दूर हो आप तो लगभग गाड़ी से 8.5 घंटा दिखाया, 8.5 घंटा गाड़ी चला के आए और यहाँ पे ये खाया तो एकदम थकान भी उतर गई और बहुत मज़ा आया खा के। जो आपका टाइम था वो वसूल हो गया, सज्जी अल्फाम पूरा 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 वसूल हो गया। आप यहाँ आके खाइए इनका चंगेज़ी, सज्जी और अल्फाम, बहुत बेहतरीन है। अभी हम हैं काबुल चिकन सज्जी पे और यहीं से आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे अच्छे खाने खाते रहिएगा, खुश रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।